फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, शॉप नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। बागपत जिले में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आज भारतीय वायुसेना की एक चीता हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण इसे इमरजेंसी में लैंड कराना पड़ा। साथ ही हेलीकॉप्टर में सवार पायलट और को पायलट दोनों ही सुरक्षित बताए जा रहे हैं और अब हेलीकॉप्टर के साथ दोनों पायलट वापस हिंडन एयरबेस लौट चुके हैं। बागपत के खेगड़ा क्षेत्र में लैंडिंग के वक्त वहां अफरा तफरी मच गई थी। इसके साथ ही एक्सप्रेस वे को कुछ समय के लिए वन वे कर दिया गया था। आइए देखते हैं इस संबंध में क्या बता रहे हैं बागपत के SP प्रताप गोपेंद्र यादव। देखिए, जो चीज संज्ञान में आई है वो सुबह 8 बजे के आसपास एक चीता हेलीकॉप्टर जो हिंडन एयरबेस से चंडीगढ़ के लिए निकला था उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से उसे इमरजेंसी एयर स्ट्रिप जो हमारे यहाँ बनी हुई मगी कला के पास पेरिफेरल पे वहाँ पर उतारा गया। उसके थोड़ी देर बाद ही उनका दूसरा हेलीकॉप्टर जो तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए आया था वो भी वहाँ पर लैंड हुआ और बहुत जल्दी उसकी तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया और कम से कम 20 या 25 मिनट के बाद ही वो वहाँ से दोनों हेलीकॉप्टर उड़ गए। जैसे ही जानकारी मिली वहाँ के थाना अध्यक्ष, चांदी नगर के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर, 2 BRB की गाड़ियाँ और जो वहाँ चौकी इंचार्ज हैं वो लोग तुरंत मौके पर पहुँच गए थे। लेकिन जैसे ही ये संज्ञान में आया, बातचीत हुई चांदी नगर एयरबेस से भी, तो उसके आधार पर वहाँ पर फिर रह करके लोगों ने असिस्ट किया और बिना किसी समस्या के, बिना किसी तकनीकी समस्या के फिर से उनका टेक ऑफ हुआ। इसमें कोई किस तरह की हानि हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मामूली तकनीकी खराबी थी। और जो चीता हेलीकॉप्टर बताया जा रहा उसमें 2 लोग ही थे, पायलट थे और को पायलट थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो हल्की तकनीकी खराबी थी जिसको सही कर लिया गया और वो समय से टेक ऑफ हो गया। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।